नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को विदाई दे दी है, बीजेपी को 2024 में बहुमत नहीं मिला। बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था, अकेले पार्टी इंडिया वगैरह छोड़ दी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव है। इंडिया अलायंस सत्ता स्थापने का दावा करना रहेगा, और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की, और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव दौड़ रहे हैं सबको, हाथ पांव दौड़ रहे, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरी, ये प्रधानमंत्री जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है, ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा, 400 पार, 350 पार, 300 पार, बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है, मुंबई में आप शाम, आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, 7 बजे दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार गया।